हेलो हेलो हेलो। तो एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में और एक नए तरीके की वीडियो। मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर से दिखानी चाहिए बनाकर। तो मैं खड़ा हूँ अभी बीजे वॉश के सामने। बीजे वॉश का पता नहीं क्या मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे आप अपने कपड़े वपड़े धो सकते हो। मैं हूँ फ़िलहाल अभी थाईलैंड में, और जब आप बाहर निकलते हो तो किस तरीके से हर जगह लॉन्ड्री सर्विस बनी होती है, कैसे क्या करना रहता है, वो वीडियो मैं आज बनाने लगा हूँ। ये पीछे मेरे मोटरी है सारा का सारा। शाम के 5:30 बज रहे हैं। थाईलैंड के क्राबी में हूँ मैं अभी फ़िलहाल, और ये बीजे वॉश पहुँच गया हूँ। 24 घंटे खुला होता है। ये क्या है, कैसे है, मैं खुद भी सीखता हूँ और आप लोगों को भी सिखाता हूँ। यहाँ पे टॉप लोडिंग वाली ये है, 30 बार सब में लिखा है 3 कॉइन्स डालने को, और वहाँ पे ड्रायर है, तो यहाँ वॉश करके वहाँ ड्राई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ सिस्टम है। ये थोड़ा बड़ा मशीन है आई गेस, या तो फिर इसमें ही ड्रायर होगा, इसीलिए 50 सेंट्स है, पता नहीं 50 बात है। तो चलो पहले तो यहाँ से कैश डाल के चेंज निकालना पड़ेगा मुझे, और क्या सिस्टम है सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं। और यहाँ पे शायद वाईफाई भी है, फ्री वाईफाई भी है, तो बैठकर मैंने लैपटॉप भी लेकर आया हूँ, बैठकर काम भी कर सकते हो। ये इनका मेन ऑफिस होगा, बट ये आज बंद है शायद, क्योंकि यहाँ पे ना क्योंकि आज संडे है मे बी, इसलिए। तो कॉइन लॉन्ड्री आप देख सकते हो भाई। चलो कोई नहीं, ट्राई मारते हैं, देखते हैं ये पता नहीं क्या बना रखा है। बट ठीक है। और ये शादी वाला आपको सोफ़ा भी मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो भाई। मुझे लगता है ना यहाँ पे मुझे डिटर्जेंट खुद से लेके आना पड़ेगा आई गेस, यहाँ पे ऐसा सीन है। अब यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते भाई, देखो यहाँ लिख रखा है, पुट क्लोथ्स इन दी वॉशिंग मशीन नॉट एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड kg, फिल द डिटर्जेंट फैब्रिक सॉफ्टनर और क्लोज द लिड कम्प्लीटली, इंसर्ट ओनली 10 baht कॉइन्स अकॉर्डिंग टू द रेट्स, देन द वॉशिंग मशीन विल ऑटोमेटिकली वर्क फॉर 45 मिनट्स। ओके, 1 baht से लेकर 10 baht में अलग अलग तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आई गेस मुझे ये ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा। ट्रांसलेटर पे आता हूँ, और ये देखो सारी चीज़ें बदल गई। हाउ टू यूज़, प्रेस द बटन टू चेक द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ मुझे वो डालना पड़ेगा सिक्का, और यहाँ से प्रोडक्ट आ जाए। मैं यहाँ पे कुछ भी दबा रहा हूँ तो इस पर 5 baht ही आ रहा है, तो आई गेस 5 baht का ही होगा जो होगा। ठीक है, एक निकालने की कोशिश करता हूँ। ये वाली मुझे प्रीमियम परफ्यूम लिखा हुआ है इस पर, प्रीमियम परफ्यूम तो सारा ही है। ये आपका वो है, पता नहीं यार, इंडिया में भी जो आता है वो वाला ही है। और भाई लकली मेरे पास ये 5 baht के 2 सिक्के पड़े हैं, ऑल्दो यहाँ से एक्सचेंज करा सकता हूँ मैं कोई भी कॉइन डाल के या नोट डाल के, तो डाल के देखता हूँ ऐसे आएगा जाता है। ये चला गया, और भाई कौन सा पिक करूँ, ये वाला पिक करता हूँ। ये देखो दबा दिया, अरे वाह, आ जा भाई, आ जा, आ गया। अच्छा ये देखो भाई आ गया, बढ़िया प्रीमियम परफ्यूम। यही वाला एक और ले लेता हूँ, 2 डाल दूंगा कपड़ों में, मस्त हो जाना चाहिए आई गेस। ये देखो एक बार और डालता हूँ भाई, सेम ही डालता हूँ, ठीक है, फिर से यही गिर कर आ गया भाई, है ना। अरे ये 2 बार डाला, दोनों बार अलग आया, ए यार क्या है ये बोलूँ। कोई नहीं, ये मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा, अगर नहीं होगा तो और मैं डाल दूंगा। तो 10 baht का ये ले लिया मैंने डिटर्जेंट, और अब यहाँ से अब मेरे पास क्योंकि नोट्स हैं तो आई गेस कॉइन चेंजर है, नोट डालने पे कॉइन आ जाएगा आई गेस। चलो देखता हूँ। ये भाई 100 baht का नोट मेरे पास एक पड़ा था, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें डालूँ, देखता हूँ क्या करता है। हाँ भाई ले 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 ले, ले गया भाई। अरे 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 भाई 10 कॉइन आ गए, मस्त, बढ़िया सिस्टम काम कर रहा है यार, अच्छा काम कर रहा है, ऐसा कोई फॉल्टी नहीं है। चेक कर लेता हूँ, गिन लेता हूँ पूरे हैं कि नहीं है। पता चला यार 10 रुपये इसने एक्सचेंज करने के काट लिए, आजकल ऐसे भी हर जगह कट ही रहा है मेरा। 1, 2, 9, 10 भाई पूरे हैं, पूरे हैं। और मैं सोच रहा हूँ तौलिया वालिया पहन के बैठ जाऊँ, मस्त ये कपड़े भी डाल ही दूँ भाई, जब धुल रहे तो सारे ही धुले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब नेक्स्ट बारी आती है। ये इसमें लिखा है कि आप देखो, ये ना एक साइज़ का है और ये वाला बड़ा, इसलिए इसमें 50 baht, बट इतने कपड़े ही नहीं है मेरे, तो मेरा ना 30 baht वाले में काम हो जाएगा। बढ़िया डिटर्जेंट डालूंगा, धो दूंगा बढ़िया बढ़िया से कपड़े, मस्त महकते महकते खुशबूदार कपड़े पहनूंगा। इतनी कर्तव्य कर रहा हूँ ना कपड़े धोने के चक्कर में,
अगर आसपास से कोई कैमरे पे देख रहा हो मुझे तो बोलेगा ये कर क्या रहा है बंदा, ये कपड़े तो धोने, इतना क्या उछल कूद मचा रहा है। सही सिस्टम रहता है यार, कपड़े धो लो सही रहता है, क्योंकि कितने कपड़े लेकर आओगे, 2 महीने 3 महीने की ट्रिप है। ये गया भाई सारा का सारा मटेरियल, इसमें बढ़िया सा काम। और एक बार सारे सारे पैंट्स के ना पॉकेट्स चेक कर लूँ, कहीं पता चला कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट रहा तो स्वाहा हो जाएगा भाई, है ना। चलो, और थोड़े से कपड़े और रहते तो बेटर रहता, क्योंकि बहुत खाली है इसमें। अगर यहाँ दिखाऊँ देखो अभी कितना सारा खाली है, बट ठीक है। क्या है अब, क्या आस पड़ोस के कपड़े थोड़ी ला के दे दूंगा। अरे बढ़िया है यार सिस्टम, और पैसे ले लेता हूँ अगल बगल वालों से, बोलूँगा भाई कपड़े धो लो, खुद के पैसे बच जाएंगे। चलो भाई बकवास बहुत हो गई। इसमें अलग अलग सारी चीज़ें हैं, डेलिकेट जीन्स, क्विक ब्लैंकेट, सब कुछ है। तो मैं क्या करूँ यार, मैं ना नॉर्मल कर दूँगा, नॉर्मल वॉश सही रहेगा। 30 बात निकालता हूँ, 1 2। ये कैसा सांप सा है यार, ये नकली दे दिया क्या सिक्का भाई? ऐसा तो नहीं होता सिक्का, यही डाल दूंगा अंदर। अरे ये लॉटरी वाला सिक्का था यार, बढ़िया वाला 2 करोड़ का सिक्का था ये। चलो ये डालता हूँ, ये यहाँ से दिखाता हूँ, देखो ये डाला भाई, 1 10 गया, 20 गया, और ये 30 गया। ठीक है भाई, ये डाल दिया, अब ऑन हो गया। ये भाई 48 मिनट्स के लिए हुआ है, ठीक है। पानी आने दो, इसमें डिटर्जेंट डाल देता हूँ फटाफट। मिनट ये अपना वॉश हो जाएगा। तो फिलहाल 10 का मैंने ये लिया, 30 की मैंने वो लगाई, 40, और फिर वो करने के बाद ड्राई करूँगा 30 भात का। तो मतलब आप लगा लो 70 140 और 35 लगा लो, वही 160 रुपये के अराउंड में मेरे कपड़े धुल जाएंगे। ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, 7 साढ़े 7 kg होगा मैक्सिमम। तो सही है, आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो, बढ़िया रहता है सिस्टम। बाहर इसलिए बोलता हूँ कपड़े कम ही लेकर आओ, क्या करोगे इतने अलग अलग कपड़े, लेकिन धूल मस्त जाते हैं, और धूल के एकदम उसमें गर्मा गर्म कड़क होकर कपड़े निकल जाएंगे। सही है भाई, बढ़िया हो गया काम फटाफट। अब मिलता हूँ 45-50 मिनट बाद, बाय। एक घंटे का था, मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ काम वाम कर, थोड़ा बहुत देख रहा था, रिसर्च वगैरह भी कर लिया यहाँ बैठ के काम वाम कर रहा था। तो फिलहाल ये हो गया है, बस 1 मिनट बचा है। 1 घंटे तक इसने सुखाया है, पता नहीं है। और ड्रायर में अगर बार बार आप कपड़े धोते हो तो कपड़े भी श्रिंक हो जाते हैं, तो पता चला कि मेरा क्रॉप टॉप हो गया टी शर्ट। बट फिर देखता हूँ, अभी तक तो हो जाना चाहिए, 1 घंटे में तो सूख ही गया होगा। चलो जी 0-0 हो गया, अब जब बंद हो जाए भाई साहब। ये हो गया बंद, एकदम से लग गया फुल स्टॉप, और ओहो गर्मा गर्म एकदम भाई, मस्त कड़क होके निकले। मैं तब यहाँ पे बैग अपना सेट कर लेता हूँ। भाई ये बैग पैक कर लिया है बढ़िया से, मस्त एकदम धुले हुए फ्रेश कपड़े पैक हो चुके हैं, निकलने का वक्त आ गया यहाँ से। चलो जी, यहाँ पे और 2-3 लोग आए थे, उन्होंने अभी अपने कपड़े उपड़े लगा दिए हैं। मेरा भी काम यहाँ ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे के बीच में काम हो गया। तो एक सिस्टम आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। होपफुली ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, अलग तरीके की, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी कि हाँ भाई कम कपड़े भी लेकर जाओ तो काम चल सकता है। 2 घंटे 1.5 घंटे के इन्वेस्टमेंट में कई लोग तो यहाँ लगा कर निकल जाते हैं फिर, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि निकाल के कपड़े लेके चला जाएगा आपका, लेकिन अगर वाईफाई वगैरह है तो आप यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो
तो ये था एक छोटा सा लॉन्ड्री सिस्टम पे वीडियो, ठीक है। तो बाहर जाओगे तो कभी ना कभी ये जरूर ट्राई करना, ठीक है जी। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब पे प्लीज। जल्दी 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 बाय।